ये गाथा जंजीरों में जकड़े हिंदुस्तान की कहानी कहेगी। आज आप सबको 1857 से 1947 तक के इस गदर की कहानी सुनानी पड़ेगी। अगले एक घंटे तक शहीदों की आत्मा आंखों में भर भर के पानी कहेगी। 90 साल की वो लड़ाई आज हर हिंदुस्तानी को याद करानी पड़ेगी। जब जिंदा इंसान बुत बन जाता है तो वो गुलाम कहलाता है, लेकिन जब शहीदों की ये मूर्तियाँ चुपचाप रहकर भी सीधे आपकी आत्मा से बात करती है तो इंसान डर से आज़ाद हो जाता है। ये गाथा है गुलाम हिंदुस्तान में जन्मे आज़ाद हिंदुस्तानियों की। उठाकर तलवार घोड़े पे सवार हुआ वो, बांधकर कफन जब तैयार हुआ वो, दिल्ली छोड़कर भाग गए फिरंगी जब देश पर मर मिटने को तैयार हुआ वो। था एक हमारा भगत सिंह चूमा फांसी के फंदे को, मंगल ने अपनी तलवार से जड़ दिया फिरंगी बंदे को। आज एक घंटे तक करनी है एक बात, बार बार 120 करोड़ हिंदुस्तानियों से। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सुलगी वो चिंगारी 15 अगस्त 1947 को कैसे बन गई आज़ादी की अंगड़ाई। आज़ादी के लिए दुनिया की सबसे लंबी लड़ाई इसी मिट्टी पर लड़ी गई थी। आज़ाद हिंद से लेकर विजय हिंद तक की ये पताका कैसे लहराई आज आपको दिखाएंगे। आज सबसे सीधा सवाल, क्या आपको या फिर आपको देश को आज़ाद कराने वाले 5 शहीदों के नाम भी याद हैं? इस देश को आज़ाद कराने के लिए 1,00,000 लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। आज हम और आप मिलकर एक घंटे का वक्त निकालें। शहादत कभी किसी से कुछ नहीं मांगती। सोचिए, 1,00,000 लोगों की कुर्बानी के लिए एक घंटे का वक्त कुछ ज्यादा नहीं। ये हिंदुस्तान की आजादी की गदर गाथा है। इस गदर का आगाज किसी छावनी में नहीं हुआ। हिंदुस्तान की आजादी की बुनियाद इस गंगा नदी के किनारे एक सन्यासी के डेरे में रखी गई थी। जिस दिन पहली बार रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहेब ने अंग्रेजों की हार की मन्नत गंगा मैया से मांगी, उस दिन सिर्फ एक चिंगारी जली। इस चिंगारी में गंगा किनारे मोटी सी रोटी बनाई गई। उस दिन वो रोटी न पकती तो 1857 की चिंगारी पेशावर से लेके दिल्ली तक न पहुंचती। वो साल 1855 था। हरिद्वार के कुंभ मेले में चंडी पर्वत की शिखा पर रानी लक्ष्मीबाई ने तिलक कर दिया था। मैं लक्ष्मीबाई हूँ, झांसी की रानी। झांसी को अंग्रेजों के हाथों में नहीं जाने दूंगी। दशनाम सन्यासियों के आश्रम में ब्रिटिश हुकूमत की जड़ हिलाने वाली पहली सीक्रेट मीटिंग हुई। नाना साहेब धुन, बाला साहेब पेशवा, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर के बेटे फिरोज शाह और जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह छिपकर यहां पर आए। गंगा की सौगंध खाकर और 10 बाबा स्वामी पूर्णानंद को साक्षी मानकर एक नारा दिया गया, मारो फिरंगी को। एक कोड वर्ड तैयार हुआ, सैनिकों में गुप्त संदेश पहुंचाने के लिए कमल का फूल, और आम जनता के मन में आजादी की आग लहराने के लिए रोटी को हथियार बनाया गया। गदर की तारीख तय हुई 10 मई 1857। 10 मई 1857, इसी दिन देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध शुरू होना था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। रोटियां और कमल का फूल रोहिलखंड और अवध के घर घर में पहुंचने लगी। 2 साल में बुंदेलखंड
और मेरठ से होते हुए क्रांतिकारी रोटी दिल्ली आ गई थी। एक कमल का फूल बंगाल के बैरकपुर की छावनी में सिपाही मंगल पांडे के पास भी पहुंच चुका था। क्रांति की तय तारीख से 42 दिन पहले ही कदर की शुरुआत एक बंदूक और एक गोली से हुई। वो थी एनफील्ड बंदूक और वो गोली थी मंगल पांडे की। सिपाहियों को दी गई नई एनफील्ड बंदूक भरने के लिए कारतूस को दांतों से काट कर खोलना पड़ता था। कारतूस का कवर चर्बी का बना हुआ था। जोर की अफवाह फैली कि कारतूस में लगी हुई चर्बी सुअर और गाय के मांस से बनाई गई है। लोग जो ये नई कारतूस अपने दांतों से तोड़ते हो तो गाय के मांस की बनी हुई है। ये हिंदू और मुसलमान सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था। सिपाहियों ने यह कारतूस चलाने से साफ इनकार कर दिया। उस वक्त अंग्रेजी सेना के चीफ जॉर्ज एनसन ने कहा, दांत से कारतूस काटो वरना चार उंगली ऊपर सर में गोली खाओ। इसी के बाद चली वो गोली। मार्च 1857 को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी के परेड मैदान में रेजिमेंट के अफसर लेफ्टिनेंट बाग पर हमला करके उसे जख्मी कर दिया। जनरल जॉन ने जमादार ईश्वर प्रसाद को मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, लेकिन जमादार ने इनकार कर दिया। एक सिपाही शेख पलटू को छोड़कर सारी रेजिमेंट मंगल पांडे के साथ आ गई। मंगल पांडे ने अपने साथियों को खुलेआम विद्रोह करने के लिए कहा, पर कोई अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद हताश मंगल पांडे ने अपनी ही बंदूक से खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन वो बच गए। 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल किया गया और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को बैरकपुर में फांसी दे दी गई। 9 मई को मेरठ में एक रेजिमेंट के 85 सिपाहियों ने चर्बी लगी कारतूस को हाथ लगाने से इनकार कर दिया और 10 मई 1857 को शुरू हुआ गदर। बैरकपुर से सुलगी ये चिंगारी अप्रैल आते तक आगरा, इलाहाबाद और अंबाला तक पहुंच चुकी थी। अंग्रेजों के दिमाग में ये मंगल पांडे का खौफ ही था कि बैरकपुर के वाकये के बाद वो हर बागी को पांडे कहकर बुलाते थे। मेरठ बहुत बड़ा सैनिक अड्डा था। यहाँ 2357 भारतीय, 2038 ब्रितानी सिपाही और 12 तोपें रखी थी। बैरकपुर में मंगल पांडे के विद्रोह की खबर यहां मेरठ पहुंच चुकी है। 24 अप्रैल को घुड़सवार दस्ते के सेना नायक लेफ्टिनेंट कर्नल जॉर्ज कार्मिशेल स्मिथ ने 90 हिंदुस्तानी सिपाहियों को परेड करने और गोलीबारी का अभ्यास करने को कहा। 90 में से 85 सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूस को चलाने से मना कर दिया। 9 मई को इन सभी 85 सिपाहियों को कोर्ट मार्शल कर दिया गया। बंदी सिपाहियों की वर्दी खुलवा ली गई, बेड़ियों में बांधकर इनकी परेड कराई गई। 10 मई 1857 अगला दिन रविवार था। भारतीय सिपाहियों ने 3 बंगाल लाइट कैवलरी के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। बंदी सैनिक जेल से छुड़ा लिए गए। एक दिन में मेरठ पर हिंदुस्तानी फौज का कब्जा हो गया। जब सदर बाजार में क्रांति फटी करीब 5:30 बजे, जितने अंग्रेज मौजूद थे मेरठ सदर बाजार के इलाके में उन सब के ऊपर हमले हुए। जेल तोड़कर क्रांतिकारियों को, सिपाहियों को छुड़ा लिया गया। जो अंग्रेज वहां पहुंचे थे भारतीय सिपाहियों को बताने, उनको समझाने, उनको सीधी भाषा में ये बता दिया गया कि कंपनी का राज हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। अगली सुबह मेजर जनरल हिवेट अंग्रेजी फौज 60 राइफल और तोप लेकर आगे बढ़े, लेकिन तब तक हिंदुस्तानी सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच कर चुके थे। ग्यारह मई सुबह 3 बजे बंगाल लाइट कैवलरी दिल्ली पहुंच गई। विजयी सेना इसी लाल किले में बहादुर शाह जफर से मिली। सिपाहियों ने बहादुर शाह से उनका नेतृत्व करने के लिए कहा, लेकिन उस वक्त बहादुर शाह ने कुछ साफ नहीं कहा। सूरज उगते ही पूरी दिल्ली में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह भड़क गया।
करीब 50 अंग्रेजों को बहादुर शाह के नौकरों ने ही महल के बाहर मार डाला। अंग्रेजी अफसर डरकर इसी कश्मीरी गेट इलाके में बने अपने घर में घुस गए थे। गदर के सिपाही सीधे कश्मीरी गेट की तरफ आगे बढ़े। हिंदुस्तानी सिपाहियों ने यहीं पर अंग्रेजी फौज पर तोप के गोले दाग दिए। एक दिन की लड़ाई में ही कश्मीरी गेट से अंग्रेज भाग खड़े हुए थे। यहाँ की जमीन अंग्रेजों के खून से लाल हो गई थी। दोपहर में दिल्ली ने एक भयानक धमाका सुना। हिंदुस्तानी सिपाही अंग्रेजों के गोले बारूद के अड्डे पर कब्जा न कर लें, इसलिए अंग्रेजों ने ही अपने गोले बारूद में आग लगा दी। अंग्रेज दिल्ली छोड़कर करनाल की तरफ भागने लगे। अगले दिन 12 मई को बहादुर शाह ने कई सालों बाद अपना पहला दरबार यहां लाल किले में लगाया। बादशाह हिंदुस्तान के तौर पर बहादुर शाह सफर की ताजपोशी हुई। 13 से 31 मई के बीच फिरोजपुर, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी, रुड़की, एटा, नसीराबाद, मथुरा, लखनऊ, बरेली और शाहजहांपुर में विद्रोह की आग भड़क चुकी थी। 7 और 8 जून को झांसी में रानी लक्ष्मीबाई पूरे 48 घंटे तक लड़ती रही। इसके बाद अंग्रेज भाग गए। झांसी पर लक्ष्मीबाई ने झंडा फहरा दिया। मैं लक्ष्मीबाई हूँ झांसी की रानी, झांसी को अंग्रेजों के हाथों में नहीं जाने दूंगी। तेरह अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन वे हार गए। 3 दिन बाद 16 अगस्त को बिठूर में तात्या टोपे की भी पराजय हुई। अब अंग्रेजी सेना ने कॉलिन कैम्बल को अपना कमांडर बनाया। कैम्बल के कमांडर बनते ही दिल्ली पर कब्जे का युद्ध शुरू हुआ। कश्मीरी गेट पर खून बहा। इस बार हिंदुस्तानी सिपाही शहीद हुए थे। अंग्रेजी फौज अपने साथ तोप लेकर आई और सुबह सुबह सोते हुए सिपाहियों पर ही गोले दाग दिए। तोप से कश्मीरी गेट की तरफ जाने वाला पुल उड़ा दिया गया। देखिए, पहले कश्मीरी गेट ऐसा दिखता था, लेकिन 14 सितंबर की दोपहर ऐसा नजर आ रहा था। इस कश्मीरी गेट की ईंटें आज भी अंग्रेजों के बारूद की गंध समेटे हुए हैं। आज भी कश्मीरी गेट के इस इलाके में गदर के निशान साफ दिखाई देते हैं। इन दीवारों ने अंग्रेजी तोप के गोलों को सहा है। 20 सितंबर को दिल्ली पर अंग्रेजों का फिर से कब्जा हो गया। इस 1,00,000 रुपया कमाने वाले सो कॉल्ड बादशाह ने कंपनी सरकार के खिलाफ बगावत किया। बगावत देखी, अपने सर बुलंदे के हिफाजत के लिए तलवार उठाई। तुम लोग लाल किले के मुलाजिम थे, जब तुमने नमक हरामी का रास्ता पकड़ा, तुम्हें सजा देने के लिए हमें हथियार उठाना पड़ा। सितंबर को बहादुर शाह जफर ने हिमायूं के मकबरे में अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर दिया। इस 1,00,000 रुपया कमाने वाले सो कॉल्ड बादशाह ने कंपनी सरकार के खिलाफ बगावत किया। बगावत देखी, अपने सर बुलंदे के हिफाजत के लिए तलवार उठाई। तुम लोग लाल किले के मुलाजिम थे, जब तुमने नमक हरामी का रास्ता पकड़ा, तुम्हें सजा देने के लिए हमें हथियार उठाना पड़ा। अगले ही दिन विलायती फौज का मेजर विलियम हटसन, बहादुर शाह जफर के बेटे मिर्जा मुगल, किज़्र सुल्तान और पोते अबू बकर को लाल किले की तरफ लेकर चला। इसी खूनी दरवाजे के पास विलियम हटसन ने मुगल वंश के तीनों शहजादों को बग्घी से उतरने के लिए कहा। और फिर विलियम हटसन ने अपनी पिस्तौल निकालकर कनपटी पर सटाकर तीनों को मार दिया।
तीनों राजकुमारों की बिना कपड़ों की लाश को यहीं पास की कोतवाली में लटका दिया गया। 22 सितंबर पूरे दिन लाश से खून टपकता रहा और अंग्रेज जीत का जश्न मनाते रहे। दिल्ली हाथ से जा चुकी थी। अंग्रेजी सेना का चीफ जनरल कैंपबेल हजारों की विदेशी फौज लेकर तात्या टोपे से लड़ने आया। छह दिसंबर को कालपी में भयंकर लड़ाई हुई। तात्या टोपे को पीछे हटना पड़ा। अब आया साल 1858। पहली अप्रैल को 22,000 सिपाहियों के साथ बेतवा नदी के तट पर अंग्रेजों ने तात्या टोपे को घेर लिया। तात्या काफी बहादुरी से लड़े, लेकिन अंग्रेजी सेना के सामने तात्या की सेना कमजोर पड़ गई। तात्या की हार के बाद रानी लक्ष्मीबाई बिल्कुल अकेली पड़ गईं। 3 अप्रैल को अंग्रेजों ने झांसी का किला तोड़ दिया। लक्ष्मीबाई अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधकर घोड़े से भागने में कामयाब हुई। इधर आज के बिहार में बाबू कुंवर सिंह अंग्रेजों को 2 बार हराकर आजमगढ़ पर कब्जा बरकरार रखे हुए थे। 23 अप्रैल को कुंवर सिंह ने जगदीशपुर पे अंग्रेजों को हराकर विजय पताका लहराई, लेकिन इस युद्ध में कुंवर सिंह की बांह में गोली लग गई। जहर ना फैले इसलिए कुंवर सिंह ने अपनी बांह काट दी, लेकिन 3 दिन बाद 26 अप्रैल को कुंवर सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। बाईस मई को कालपी में एक बार फिर अंग्रेजी और हिंदुस्तानी सेना टकराई। इस बार हिंदुस्तानी सेना की नायिका थी रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। 17 जून 1858 को अंग्रेजों ने ग्वालियर को घेर लिया। 18 जून को ग्वालियर के फूलबाग में रानी लक्ष्मीबाई अकेले अंग्रेजों से लड़ती रही। इस वीरांगना ने अपने खून के आखिरी कतरे तक भारत माता की हिफाजत की। रणभूमि में ही लक्ष्मीबाई शहीद हो गईं। लक्ष्मीबाई के बलिदान ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। 2 अगस्त को ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की सत्ता ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के पैरों में डाल दी। अब भारत सीधे सीधे अंग्रेजी ताज का गुलाम बन चुका था। साल 1859 से लेकर 1885 तक हिंदुस्तान में सन्नाटा पसरा था। वो तारीख थी 28 दिसंबर 1885। ठीक इसी जगह मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में स्कॉटलैंड के रहने वाले एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। बोमेश चंद्र बैनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने। उस वक्त के बॉम्बे में 28 से 31 दिसंबर के बीच 3 दिनों तक कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। ये तस्वीरें उसी पहले अधिवेशन की हैं। इसमें देश भर से 72 नेता शामिल हुए। हिंदुस्तान को एक नेता की तलाश थी, एक ऐसे नेता की जो बगैर बंदूक उठाए आजादी दिला सके, जिसका धर्म सत्य हो, जिसका हथियार अहिंसा हो, जो कर्म से महात्मा हो। इधर हिंदुस्तान जुल्म सह रहा था, उधर वो महात्मा दक्षिण अफ्रीका की जमीन पर तपस्या कर रहा था। वो
था सन 1915 जब मोहनदास करमचंद गांधी ने हिंदुस्तान की जमीन पर एक बार फिर कदम रखा। गोपाल कृष्ण गोखले की मदद से गांधी जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। नरम और गरम दल की लड़ाई में बटी कांग्रेस को गुजरात के इस वकील ने एक नया औजार दिया, सत्याग्रह। लौट जाइए, फाटक बंद है। कौन हो आखिर तुम? मेरा नाम गांधी है, मोहनदास के गांधी। तुम जो कोई भी हो, तुम्हारी जरूरत नहीं है यहाँ, इसलिए कहता हूँ वापस चले जाओ इसी गाड़ी से अभी। इन्हें मेरी जरूरत है। मेरा नाम गांधी है, मोहनदास के गांधी। तुम जो कोई भी हो, तुम्हारी जरूरत नहीं है यहाँ, इसलिए कहता हूँ वापस चले जाओ इसी गाड़ी से अभी। इन्हें मेरी जरूरत है। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1918 और 1919 में पहला सत्याग्रह आंदोलन हुआ। तब कोई नहीं जानता था कि लाल खून से नहीं, कपड़े रंगने वाले नील से हिंदुस्तान की आजादी के आंदोलन की नई नींव रखी जा रही है। आप मिस्टर एम के गांधी हैं? हाँ। मुझे अफसोस है, आप गिरफ्तार किए जाते हैं। मुझे कोई अफसोस नहीं। गांधी जी को चंपारण छोड़ने का हुक्म मिला, लेकिन गांधी जी के साथ हजारों किसान खड़े हो गए। तुम्हें बिहार छोड़ने का हुक्म दिया जाता है क्योंकि तुमने आवाम को भड़काया। अंग्रेजों के जिला मैजिस्ट्रेट ने गांधी जी को बिना जमानत के छोड़ दिया, लेकिन गांधी जी ने कहा कानून के मुताबिक सजा दो। इस पतले दुबले इंसान से अंग्रेज डर गए। जो काम बंदूक और तलवार नहीं कर पाए, वो गांधी जी के मजबूत इरादों ने कर दिखाया। अंग्रेज उनको मार देने के लिए हर कोशिश कर रहा था, तो उनका दूध बरियारपुर से आता था और उसे इसका खबर किसी तरह से मेरे नाना बतख मियाँ को मालूम हो गया कि दूध में जहर आ रही है। उन्होंने आके गांधी जी को कह दिया, कल जो दूध आएगा मत पीजिएगा, उसमें जहर मिला हुआ होगा। बिहार के इसी चंपारण से महात्मा गांधी ने पहला उपदेश दिया, आजादी चाहते हो तो सबसे पहले डर से आजादी पाओ। बगैर लाश गिराए गांधी जी पहली लड़ाई जीत चुके थे। हाथ का बुना कपड़ा पहनना पड़े, उसे इज्जत से पहने। लाश चंपारण में नहीं गिरी, लेकिन पंजाब खून से ऐसा लाल हुआ कि मिट्टी का भी रंग बदल गया। वो तारीख थी 13 अप्रैल 1919 की शाम 4:30 बजे। बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में नेता भाषण दे रहे थे, तभी ब्रिगेडियर रेजिनल्ड डायर ने 10 मिनट में 1630 राउंड गोलियां चलवाई। भागने तक का रास्ता नहीं मिला। जान बचाने के लिए लोग मैदान में मौजूद इकलौते कुएं में कूद गए। वो कुआं लाशों से पट गया। बाद में उस कुएं से 120 लाशें निकाली गईं। अंग्रेजी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक यहां 379 लोग शहीद हो गए।
इस हत्याकांड ने 12 साल के एक बच्चे के दिमाग में क्रांति की चिंगारी जला दी। वो 12 मील भागता हुआ जलियांवाला बाग आया। वो बच्चा था भगत सिंह। एक तरफ देश जलियांवाला बाग की आग में झुलस रहा था। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी बारूद से आजादी छीनने का रास्ता बना रहे थे। दूसरी तरफ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा। जरूर लड़ेंगे मगर हिंसा से नहीं, अहिंसा से। हमारा हथियार होगा पूर्ण असहयोग आंदोलन, टोटल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इस आंदोलन का फॉर्मूला बहुत सीधा सा था, हिंसा का इस्तेमाल न करते हुए अंग्रेजी सामान और कपड़े जला। गांधी जी की अहिंसा के साथ साथ इंकलाब का नारा बुलंद हो रहा था। चौरी चौरा कांड 1922। 4 फरवरी 1922 को क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की पुलिस चौकी जला दी। बाईस पुलिस वाले जिंदा जल गए। गांधी जी के विचारों को जोर का झटका लगा। महात्मा ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो क्या करें हम? हम ये आंदोलन बंद कर दें। जलियांवाला बाग के बाद ये तो ईंट का जवाब पत्थर था। ईंट का जवाब पत्थर से दें तो फिर तमाम दुनिया ही खत्म हो जाएगी। पर गांधी जी सोचिए तो, लोगों ने कितनी कुर्बानी दी है। अब ऐसी तैयारी फिर कभी नहीं होगी हमसे। आज पूरे का पूरा देश आगे बढ़ चुका है। हाँ मगर किस दिशा में? तुम अपनी आजादी मारपीट और खून खराबे से चाहो तो मैं उसके साथ नहीं। अगस्त 1925 को काकोरी के पास क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना लूटकर ब्रिटिश हुकूमत को हिला दिया। अंग्रेज क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़ाते गए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी अंग्रेजों के खिलाफ हथियारबंद आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे। इस बीच साइमन कमीशन का विरोध कर रहे गरम दल के नेता लाला लाजपत राय को पुलिस ने लाठियों से मारा। इस हमले ने भगत सिंह के सब्र का बांध तोड़ दिया और राजगुरु के साथ मिलकर उन्होंने लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक जेपी सैंडर्स को मार डाला। इसके बाद भगत सिंह ने तय किया अब वो सो रही अंग्रेज सरकार को बम से जगाएंगे। इसके लिए बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर उन्होंने नई दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंक दिया। बम फेंकने के बाद भगत सिंह ने गिरफ्तारी दे दी। भगत सिंह चाहते तो भाग सकते थे। उस वक्त भगत सिंह खाकी कमीज और हाफ पैंट पहने हुए थे। बम फटते भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। पंजाब में भगत सिंह जेल के अंदर आंदोलन कर रहे थे। इंकलाब एक लड़ाई है जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ। इंकलाब एक हथियार है आदमी पर आदमी का शोषण रोकने के लिए। इंकलाब एक ऐलान है देश के नौजवानों को एकजुट करने के लिए। उधर बंगाल में एक नया शेर पूरी आजादी की मांग कर रहा था। उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। We want to expel British power from India. We have to fight the enemy with its own weapons.
आईसीएस की परीक्षा पास करने के बाद भी सुभाष ने इस्तीफा दे दिया। 20 जुलाई 1921 को रविंद्रनाथ ठाकुर के कहने पर वो महात्मा गांधी से मिले। जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया तो कलकत्ता में बंगाल आंदोलन का नेतृत्व सुभाष बाबू ने ही किया। उन्नीस सौ 1928 के कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन से ही सुभाष बाबू और गांधी जी में मतभेद हो गया। 26 जनवरी 1931 के दिन कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। पुलिस ने लाठी चलाकर उन्हें घायल कर दिया। सुभाष बाबू जेल में थे तब गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से समझौता किया और सब कैदियों को छोड़ दिया गया। लेकिन भगत सिंह के रिहा नहीं होने पर सुभाष बाबू ने गांधी जी से अंग्रेज सरकार के खिलाफ समझौता तोड़ने के लिए कहा। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आप चाहते तो उन्हें बचा सकते थे, लेकिन आपने उन्हें बचाया नहीं। 23 मार्च 1931 को शाम करीब 7:33 पर भगत सिंह और उनके दो साथियों सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। भगत सिंह की फांसी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच ऐसी दरार पैदा कर दी जो कभी नहीं भर पाई। बंटवारे का बीज तो मुंबई में भी फूट रहा था। मुस्लिम लीग देश को बांटने का फॉर्मूला ढूंढ रही थी और हिंदुस्तान में आया जिन्ना। लीग के नेताओं आगा खान, चौधरी रहमत अली और इकबाल के बार बार कहने पर साल 1934 में मोहम्मद अली जिन्ना को भारत बुलाया गया। 1937 में हुए चुनाव में मुस्लिम लीग हार गई। इसके बाद मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला। जिन्ना कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी बताने लगे। टू मेजर नेशंस, द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। 100 मिलियन ऑफ मुस्लिम्स कैनॉट बी कैरेक्टराइज्ड एज अ माइनॉरिटी। We are 70 million in the northwestern and northeastern zones of India. We constitute a majority of 70% against the caste Hindus in these homelands of ours. पाकिस्तान का नाम सबसे पहले ब्रिटेन में चौधरी रहमत अली ने लिया था। जिन्ना के इसी दोस्त ने भारत के पश्चिमी हिस्से के 5 राज्यों को जोड़कर पाकिस्तान का खाका बुना। 28 जनवरी 1933 को छपे रहमत अली के पर्चे नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिश फॉरएवर में पाकिस्तान का नाम मिलता है। में दुनिया बदल रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। गांधी जी ब्रिटेन के समर्थन में खड़े थे, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर से मुलाकात की। That with the help of my countrymen in East Asia, अंग्रेजों को नेताजी के प्लान का अंदाजा लग चुका था। सुभाष चंद्र बोस को उनके घर में नजरबंद कर दिया गया। उधर नेताजी बंद कमरे में स्वतंत्र भारत का सपना देख रहे थे। इधर जिन्ना का भारत बांटो प्लान तैयार था। उन्नीस सौ 1940 के लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने प्रस्ताव पारित कर कहा कि मुस्लिम लीग का मकसद पाकिस्तान का जन्म है। गांधी जी ने मुंबई में जिन्ना से 14 बार बातचीत की, लेकिन जिन्ना जिद पर अड़े थे। महात्मा गांधी has tried for some semblance of unity. We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution. सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है इस देश के बंटवारे का। डोमिनियन स्टेटस के तहत दो अलग अलग सरकार बनाने की तजवीज और बंगाल और पंजाब का बंटवारा। जनवरी 1941 को कलकत्ता से बड़ी खबर आई। नेताजी गायब हो गए थे। Only when the blood of freedom-loving Indians begins to flow, will India attain her freedom. जापान पहुंचकर टोक्यो रेडियो से नेताजी ने हिंदुस्तानियों को आजादी का सपना दिखाया। This house has become particularly historic because his great escape
took place from this house, 1941, 16th-17th January night. We in India have lacked one thing and one thing alone. We lack the strength and organization whereby we can meet force with force. गांधी जी भी चुप नहीं रहने वाले थे। अंग्रेजी सल्तनत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी गई। साल 1942 में पूरे देश में शुरू हो गया भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी ने नारा दिया, करो या मरो, करो या मरो। एक दिन पहले 8 अगस्त 1942 को यहां कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का मसौदा पास हुआ। गांधी जी ने कहा था, यह आजादी की आखिरी लड़ाई है, अगर हम गिरफ्तार हो जाएं तो भी ये लड़ाई नहीं रुकनी चाहिए। आज से हर हिंदुस्तानी अपना नेता खुद है और वो शांतिपूर्ण तरीके से अपने हिसाब से आजादी की लड़ाई लड़ेगा। रात में ही गांधी जी को पुणे के आगा खान पैलेस में कैद कर दिया गया, सभी नेता बंदी बना लिए गए। अरुणा आसफ अली ने गजब की हिम्मत दिखाई। 9 अगस्त के दिन उन्होंने भीड़ का नेतृत्व करते हुए मुंबई के इसी ग्वालिया टैंक मैदान में तिरंगा झंडा फहराकर अंग्रेजों को खुली चुनौती दे डाली। इसी दिन से मैदान अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाने लगा। अब हिंदुस्तान और इंतजार करने को तैयार नहीं था। आजादी की आग हर दिल में लग चुकी थी। सरकारी दफ्तरों को जलाया गया, जेलें तोड़ दी गईं, पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत चरमरा गई। नौ अगस्त 1942 से शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन 3 साल तक बिना बड़े नेताओं के चलता रहा। 20 दिसंबर 1943 को आजाद हिंद फौज ने अंडमान निकोबार द्वीपों पर तिरंगा फहरा दिया। Only when the blood of freedom loving Indian begins to flow will India attain her freedom. बारह सितंबर 1944 को रंगून के जुबली हॉल में नेताजी ने कहा, आप मुझे खून दो, मैं आपको आजादी दूंगा। Only when the blood of freedom loving Indian begins to flow will India attain her freedom. उन्नीस में एटम बम गिरने के बाद जापान ने सरेंडर कर दिया। 16 अगस्त 1945 को नेताजी टोक्यो जा रहे थे। ताइवान के ऊपर नेताजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हवाई दुर्घटना में नेताजी के मारे जाने की खबर आई। 1946 की गर्मियों में कैबिनेट मिशन भारत आया। इसके बाद जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया। छह अगस्त 1946 के दिन कलकत्ता में खून बहा। फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को वाइसरॉय बना दिया गया। इसके बाद ऐलान किया गया, देश का बंटवारा होगा। सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है इस देश के बंटवारे का, डोमिनियन स्टेटस के तहत दो अलग अलग सरकार बनाने की तजवीज और बंगाल और पंजाब का बंटवारा। वी मेड अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी।
14 अगस्त की आधी रात को हिंदुस्तान को काटकर पाकिस्तान बना दिया गया। जमीन पर बंटवारे की लकीर खींच दी गई, लेकिन इस आजादी ने कत्लेआम करवा दिया। साढ़े 12 लाख लोग पाकिस्तान से जान बचाकर भारत आए। पूरी ट्रेन के अंदर लाशें ही लाशें थी। एक 1,00,000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, करोड़ों रुपए की लूटपाट हुई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जवाहरलाल नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नाम का वो ऐतिहासिक भाषण दिया। लॉन्ग इयर्स अगो वी मेड अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेज not wholly or in full measure but very substantially at the stroke of the midnight hour when the world sleeps india will awake to life and freedom hindustan azad ho gaya 15 august ki subah isi lal kile par jawaharlal nehru ne tiranga phehraya lekin azadi ki us pehli subah दिल्ली दहक रही थी। पंजाब की गलियों में लाशें बिछ रही थी। नियति से हिंदुस्तान का पहला साक्षात्कार। We made a tryst with destiny. भाई के दुश्मन भाई न होते, इतने उम्मीद से बने महल धराशायी न होते। काश इंसान बनकर जीते सभी, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई न होते। सोचिए आजादी मिलते ही लाशें बिछी लाखों की, पल भर में सब कुछ बदल गया। मैं पूछ पूछ कर हार गया। 15 अगस्त 1947 के बाद मेरा भारत बदल गया। जवाब है मेरे पास, देश आजाद है लेकिन तमाम जंजीरों में जकड़े हम आज भी गुलाम हैं। और दुख की बात तो ये है कि इन जंजीरों से आजादी की हम कोशिश भी नहीं करते।